हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो, हेलो, मैं मैं बढ़िया। बस फाइन, मेरी मैं बढ़िया। आसान मैं मैं बढ़िया। तो आप? आई एम आल्सो फाइन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द मुगल एम्पायर। एंड इन दिस टॉपिक वी वर डिस्कस अबाउट हाउ मुगल एम्पायर डिक्लाइन। तो मुगल एम्पायर कैसे अंत हो जाता है, ये हमें आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। ओके okay? यस यस मैम। चलिए, तो हम इसके बाकी टॉपिक्स पढ़ चुके थे एंड यस मैम। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो मुगल एम्पायर का 17th सेंचुरी एंड उसके बाद आने वाले टाइम पे क्या हुआ, क्या ये बना रहा या फिर इसका एंड हो गया? तो हमें आज के टॉपिक में यही डिस्कस करना है। चलिए, तो अभी हमने फिलहाल लास्ट क्लास में अपनी पढ़ा था सुलह ए कुल। तो अकबर जो थे वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहते थे, और जो लोग भी किसी धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे वो उनके खिलाफ थे। दैट मीन्स कि वो मानते थे कि जो भी कट्टरपंथी है ना, उनकी वजह से किसी और ग्रुप को जरूर नुकसान हो सकता है, और इसलिए वो एक साथ सबकी मीटिंग बुला करके, और ये मीटिंग कहाँ होती थी? इबादत खाना में। तो इबादत खाना में ये लोग इबादत खाना। ये सभी के साथ बैठ करके मीटिंग करते थे और इनको समझाने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से सारे रिलीजन्स को मानते हुए भी उसमें सभी एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। चलिए, तो एक फिलहाल हमें इस टॉपिक में नहीं दिया है, लेकिन 7th क्लास के एनसीईआरटी के जो एग्जाम होता है उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि आप, यस, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आप लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यस, सभी के यहाँ केक आता है, और इवनिंग टाइम पे क्या होता है, केक कट करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप, और कैंडल लगाई जाती है जितने साल के आप हो गए हैं, ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं ना। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब अकबर जो है इनके यहाँ पर सभी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी के एग्जाम में। तो इनके यहाँ जब भी किसी का बर्थडे होता था, एंड स्पेशली बर्थडे ही नहीं, कोई और स्पेशल इवेंट होता था, तब यहाँ पर तुला दान की प्रथा थी। दैट मीन्स कि जब भी किसी का बर्थडे होता था तो यहाँ पर तुला दान कराया जाता था। अब इस तुला दान में क्या होता था, एक साइड किंग को बिठा दिया जाता था एंड दूसरी साइड उसके बराबर की ज्वेलरी रखी जाती थी, उसी के बराबर के वेट की। एंड उसके बाद जब ये इक्वली बैलेंस हो जाता था, तब उसके बाद ये जो ज्वेलरी होती थी ये सारी गरीबों में बांट दी जाती थी। तो ये प्रोसेस ये हमेशा अपने बर्थडे पे जरूर फॉलो करते थे, एंड इसके अलावा जो खास इवेंट होती थी उस पे भी फॉलो करते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से किंग ने तुलादान को स्टार्ट किया था, किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो ये भी हमें आईने अकबरी में दिया है, तो यानी कि किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ है ये। तो अकबर अगर ज्यादा क्वेश्चन अकबर आते हैं, एंड हो सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने समझा दिया है, आपको बता दिया है, तो मैं ये क्वेश्चन भी दे सकती हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो यस तुलादान मैम। प्रोसेस है ये कब की जाती थी और किसने स्टार्ट की थी। ओके okay? यस चलिए, मैम। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द मुगल एम्पायर इन द यस 17th सेंचुरी एंड द आफ्टर। तो मुगल एम्पायर का क्या होता है, और अगर इसका अंत हो भी चुका है, अगर ये खत्म हो गया, तो इसके क्या रीजन थे। चलिए, तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थी इनकी एंड मिलिट्री एफिशिएंसी, तो इनकी शासन चलाने की प्रक्रिया और इनके पास जो सैनिक थे, तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे, बहुत कुशल थे। तो इन दोनों की ही वजह से मुगल एम्पायर जो है वो कहाँ कहाँ पहुंच गया है, लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी। तो आर्थिक रूप से भी एंड इसका विस्तार भी काफी हुआ है, तो यहाँ पर खुशहाली समृद्धि आ गई थी, और इसका मेन कारण था शासन चलाने की क्रिया और यहाँ के सैनिक, दोनों ही बहुत बहुत अच्छे थे।
चलिए तो अब आगे देखते हैं. इंटरनेशनल ट्रेवर्स डिस्क्राइब इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ. तो जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, जो अंतरराष्ट्रीय यात्री हैं, दैट मीन्स कि केवल हमारे एरिया से नहीं, जो बाहर से भी जो यात्री आते थे, उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया है, क्या बताया है यहाँ के बारे में. फेबर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, तो उन्होंने गुणगान किया है इसका. फेबर्ड लैंड का मतलब जिसका बखान किया गया हो किसी स्टोरी में, किसी राइटिंग में. तो यहाँ पर इस जमीन का बखान किया गया है और किस रूप में, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा धन संपदा है इस जमीन पर. बट दिस सेम विजिटर वर आल्सो अपेल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एक्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ्लुएंस. अब आगे देखिए, लेकिन जो वही विजिटर्स हैं जिन्होंने लिखा था कि ये जमीन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वेल्थी है, उन्हीं ने जब यहाँ पर जब ये इन्होंने विजिट किया तब क्या देखा कि ये तो गरीबी वाला देश है. अपेल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उन्होंने क्या बता दिया फिर कि ये तो पॉवर्टी वाला देश है. एंड देयर एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेट ग्रेटेस्ट एफ्लुएंस. और अगर हम कहीं भी चले जाएं किसी भी साइड, तो क्या देखेंगे, हर जगह कहीं ना कहीं ये गरीबी जरूर हमें मिलेगी. और इसका मेन कारण क्या है, द इनइक्वालिटी वर ग्लैरिंग. तो इनइक्वालिटी दैट मीन की असमानता देखने को मिलती है, सभी लोग इक्वल नहीं है, कोई राजा है तो कहीं उसके बगल में कोई गरीब है, तो यानी कि इनइक्वालिटी है चाहे जहां भी चले जाएं. अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या वर्ड दिया, द इनइक्वालिटी वर ग्लेरिंग. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो मैम. नो मैम. यस मैम. जस्ट एक सेकेंड. यस मैम. यस मैम. चलिए बीच में अगर कभी ऐसा हो कि आपको स्क्रीन ना दिख रही हो तो आप मुझे बता देंगे. यस. तो अभी हम आगे क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जब उन्होंने देखा, तो जब उन्होंने सर्वे किया तब क्या देखा कि यहाँ पर सब जगह गरीबी है और वो किसी ना किसी रूप में फैली हुई है. द इनइक्वालिटी वर ग्लेरिंग. तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, ग्लेरिंग. ग्लेरिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट पैमाने पर, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे. तो जो इनइक्वालिटी है वो हाई लेवल पे है, दैट मीन्स कि किसी भी एरिया में चले जाओ वहां पर इनइक्वालिटी जरूर देखने को मिलेगी. वही सामने एक किसी बड़े से आदमी का घर होगा और उसके साथ में ही एक गरीब की झोपड़ी होगी. तो ये जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ही हाई लेवल पे है. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 12th ईयर ऑफ शाहजहांस रीजन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल 8000. तो अब हमें जो शाहजहां का जो डॉक्यूमेंट मिला है फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहांस रीजन, तो जो शाहजहां के बारे में हमें बताता है. और इसने क्या बताया है कि जो हाईएस्ट रैंकिंग में जो मनसबदार थे, जिनकी संख्या 8000 होनी चाहिए थी, तो मनसबदार तो 8000 थे लेकिन उनमें से 445 ही केवल अपना काम कर रहे थे, बाकी खाली बैठे थे ऐसे ही. एंड दिस स्मॉल नंबर ऑफ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार. अभी जो टोटल नंबर है इनका जो परसेंटेज निकाला गया है, यानी कि 445 ही केवल वर्किंग है, यानी कि 5.6% टोटल मनसबदार में से. और इनको सैलरी कितनी मिलती थी, रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज. अब इनको जो पहले जो रिवेन्यू होता था वो पूरा का पूरा इनको सैलरी के रूप में दे दिया जाता था अकबर के टाइम पे, लेकिन अब क्या होने लगा, जितना रिवेन्यू आता था, जितना टैक्स कलेक्शन होता था, उसका केवल 61.5% ही इन लोगों को सैलरी के रूप में दिया जाता था. एंड उसके बाद ये उस सैलरी को अपने ऊपर भी खर्च करते थे, एंड जो इनके ट्रूपर्स होते थे, जो इनके सैनिक होते थे, उनके ऊपर भी खर्च करते थे. तो जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी. द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स. अब जो मुगल एम्परर थे, यानी कि जो बादशाह होते थे, एंड जो मनसबदार थे, ये अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा किस पे खर्च कर देते थे, सामान खरीदने में. अब कौन सा सामान खरीदते थे ये लोग, नए औजार, नए हथियार, नए घोड़े खरीदने पड़ते थे इन्हें, और इन्हीं में इनकी ज्यादा जो इनकम थी वो वेस्ट हो जाती थी. दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिजन एंड पीजेंट्री. अब ये जो खर्चा ये लोग करते थे, मुगल एम्परर और मनसबदार,
इसका पूरा फायदा किसको मिलता था? आर्टिजन एंड पीजेंट्री, तो जो किसान लोग थे उन्हें, और जो कारीगर होते थे जो किसी चीजों को तैयार करके देते थे, इन दोनों को ही फायदा होता था। यानी कि ये ज्यादा कीमत बता करके, इन्हें पता था खरीदा तो जाएगा ही, क्योंकि इन गुड्स की डिमांड है, इन इन सामानों की डिमांड है, और इसलिए ये फायदा उठाते थे। बट द स्केल ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन अब क्या हुआ, रिवेन्यू कलेक्शन किया जा रहा था और टैक्स कलेक्शन की वजह से ही जो गरीब किसान थे, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, चीजों को तैयार करने वाले, बनाने वाले गरीब किसान एंड आर्टिजन, जिनकी फिलहाल स्टार्टिंग में सिचुएशन अच्छी थी, बाद में इनकी भी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि इनसे टैक्स कलेक्शन किया जाने लगा और वो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता था। अब पहले तो कुछ पैसे ये टैक्स के रूप में ही दे देते थे, उसके बाद क्या करते थे, सामान खरीदते थे, क्योंकि इन्हें बनाना रहता था न्यू मटेरियल, तो इनके भी जो पैसे थे अब वो भी वेस्ट होते जा रहे थे। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेस, टूल्स एंड सप्लाईज। तो अब ये जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास थोड़े से पैसे बच रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथों और मुंह की तरफ देखेंगे, यानी पहले कमाए, पहले तो खाएंगे, पहले पेट भरेंगे, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में सोचेंगे कि हम बाकी रिसोर्सेस भी खरीदें, जैसे कि टूल एंड सप्लाई का सामान। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिजनल ग्रुप, द मर्चेंट एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। अब यहां पर भी देखिए, एक ग्रुप ऐसा है जो फायदा उठा रहा है, कौन है वो, पीजेंट्री, यानी कि गरीब किसान नहीं, जो अमीर किसान है, क्योंकि जो गरीब किसान है वो ज्यादा गरीब हो गए हैं और अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, वो अमीर किसानों से पैसे लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि हम अपनी खेती कर सकें, या फिर इनकी जमीन पे वो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर फायदा मिलता है पीजेंट्री ग्रुप को, जो कि जो अमीर किसान है यहाँ पर, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, एंड मर्चेंट एंड बैंकर, इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो चीजों को बेचते थे, जो सामान को लाते थे, एंड बैंकर्स, जो खजांची होते थे, जो लोगों को पैसे उधार देते थे, इन सभी लोगों को अब यहाँ पर फायदा होना शुरू हो जाता है। चलिए, तो अभी इतना समझ आया आपको? यस मैम। नेक्स्ट पे आते हैं, तो द इनर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेस। तो इनर्मस का मतलब होता है विशाल। अब वेल्थ एंड रिसोर्सेस कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। अब ज्यादा पैसे जिन लोगों के पास आ रहे थे एंड जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस थे, जो थे मुगल एलाइट, दैट मीन्स की मुगल कुलीन वर्ग, जिनके पास ज्यादा पैसे थे, तो ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए, दे बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप। तो 17th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते ये जो लोग फायदा उठा रहे थे, ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, बहुत ज्यादा धनी हो गए, एंड इनके पास शक्ति भी आ गई, पावर आ गई। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, और जो मुगल एम्परर की जो अथॉरिटी थी, जो उसका अधिकार था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया, यानी कि धीरे धीरे उसका अंत होता जाता है। His servant emerges powerful centers of power in the regions. अब जो इनके नौकर्स थे, वो यानी कि जो पहले इनके अंडर काम करते थे, इनको सेवाएं प्रदान करते थे, ये एंड में चल करके अभी पावरफुल हो गए और इन्होंने अपना खुद का एक रीजन लिया, क्षेत्र बना लिया अपना। They constituted new dynasty and held the command of provinces like हैदराबाद एंड अवध। और इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक, खुद की न्यू डायनेस्टी बनाई, खुद का नया वंश बनाया एंड एक अलग प्रांत के राजा बन गए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है हैदराबाद एंड अवध। तो अवध में आए थे नवाब वाजिद अली शाह, जो बहादुर शाह जफर से फ्री होकर के, या उन्होंने अवध में क्या किया, अपना अलग एक प्रांत बना लिया। और हैदराबाद में भी एक दूसरे नवाब थे, फिलहाल मुझे उनका नाम नहीं याद है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। अलाउड दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। तो अभी ये लोग ये जानते थे कि जो दिल्ली का मुगल एम्परर है, वो हमारे मास्टर हैं। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10। तो अब
पहले तो ये लोग यानी कि इन्होंने अलग प्रांत बनाया, लेकिन फिर भी इनके माइंड में ये था कि जो मुगल अंपायर है दिल्ली का, हमें वो हमारा मास्टर है, हमें उसकी कुछ चीजें माननी है। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते अब इन्होंने क्या किया, अब ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि अब इन्हें अपने जो इनका मास्टर है उससे अब कुछ भी नहीं पूछना है, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो गए। इनकी खुद की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई, अपना अलग एक साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल इसके बारे में हमें चैप्टर 10 में पढ़ना है। ओके, यस चलिए। तो अभी हमें यहाँ पर बताया है मुगल अम्पायर का अंत कैसे हो जाता है। तो फिलहाल इसके जो लास्ट किंग थे वो थे बहादुर शाह जफर, मैंने आपको बताया ही था लास्ट क्लास में। मैम, यस मैम। और बहादुर शाह जफर जो है, ब्रिटिशर्स जब आए थे यहाँ पर तो बहादुर शाह जफर का ही शासन था, लेकिन ओनली दिल्ली में, और कहीं पर नहीं था, क्योंकि और बाकी एरिया में ये जो इंडिपेंडेंट किंग है, जो स्वतंत्र हो गए हैं, उन्होंने अपना एक अलग राज्य बना लिया था। और मेन कारण भी यही था ब्रिटिशर्स के जीतने का। अगर मुगल अंपायर के हाथ में उस समय भी काफी सारे स्टेट होते ना, तो उस समय भी ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन ओनली दिल्ली रह गया था। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने दिल्ली पे अटैक किया था, तो बहादुर शाह जफर ने हेल्प मांगी थी इन सभी से, लेकिन इन सभी ने ये सोच करके हेल्प करने से मना कर दिया था कि अगर फिर से ये हमारे किंग बन गए ना, अगर ये फिर से हमने इनका सपोर्ट किया और ब्रिटिशर्स चले गए, तो दोबारा हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, इनका नौकर बन के, इनका सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। और इसी वजह से किसी ने भी साथ नहीं दिया था। चलिए, तो अभी अब आप ये सोच रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर में हमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है। नो, ब्रिटिशर्स के बारे में अब हमें पढ़ना है क्लास 8th में। अभी जो यस आपके मैम, आगे आने वाले चैप्टर हैं, उसमें हमें यही पढ़ना है कि जो भी किंग्स आए थे, इनके अंडर जो बाकी ग्रुप्स थे, दैट मीन्स कि अलग अलग छोटे छोटे एक प्रांत थे यहाँ पर, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो बड़े राजाओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी किंग आए थे जो छोटे थे, जिनके बारे में हमें उतने उतनी डिटेल में नहीं बताया गया है। तो आगे आने वाले चैप्टर में हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो बाकी एरिया में छोटे छोटे किंग्स रहे होंगे, आदिवासी या फिर कोई यस और। मैम। तो नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो आज का अब आज हमें अब एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। आप सभी ने चैप्टर रिवाइज किया यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, लेट्स रिकॉल, याद करना है अब आपको। चलिए देखते हैं किस किस को याद है। तो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मनसब को किससे मैच करना है। रैंक। मनसब को किससे मैच करना है। यस, रैंक, अकॉर्डिंग टू रैंक प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट है रैंक। मंगोल। यस रत्नेश, आप बताइए मंगोल को किससे मैच किया जाएगा। मैम उज्बेक। उज्बेक। एंड नेक्स्ट है सिसोदिया राजपूत। मुस्कान बेटा, सिसोदिया राजपूत को किससे मैच करना है। मैम मेवाड़। मेवाड़। एंड नेक्स्ट है राठौर राजपूत, ये कहाँ से थे। यस गौरव। मरवाड़ राजपूत। मारवाड़ राजपूत। मरवाड़। एंड आपको पता है कि ये जो मारवाड़ की जो राजपूतानी थी, इन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। आप सभी को पता है ना, हम यस वो मैम। राखी का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो यहाँ पर एक रानी थी जिसने हुमायूं को भाई बना करके, फिलहाल हुमायूं जो है वो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और ये कहा था कि ये रक्षा सूत्र है, यानी कि मैं आपसे लड़ाई के लिए तो कह रही हूं कि आप सपोर्ट करें, लेकिन ये रक्षा सूत्र है, ये आपकी रक्षा करेगा। और इसके बाद हुमायूं ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, एक्सेप्ट करके, और उसके बाद उन्होंने लड़ाई करी और फाइनली वो जीत भी गए, और तभी से ये जो फेस्टिवल है वो और ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो
तो ये मारवाड़ की राजपूतानी थी जो कि एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, लेकिन इन्होंने कहां राखी भेजी थी, हुमायूं के पास। चलिए तो अभी नेक्स्ट पे आते हैं, नूरजहां। अब नूरजहां को किससे मैच करना है? जहांगीर। जहांगीर। एंड लास्ट आता है सूबेदार, गवर्नर। चलिए तो मैचिंग जो है वो फिलहाल बहुत इजी है, और इसमें कर लेंगे सभी। यस मैम। अब नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर बताना है रत्नेश को। यस रत्नेश, द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज डैश। मैम काबुल। काबुल। यस मुस्कान, काबुल इज द करेक्ट आंसर और नॉट? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, द दक्कन सल्तनत वार बिरार खानदेश अहमदनगर डैश एंड डैश। यस गौरव। मैम बीजापुर एंड गोलकुंडा। बीजापुर एंड गोलकुंडा। चलिए बीजापुर एंड गोलकुंडा करेक्ट आंसर है इसका। एंड सी पॉइंट पे आते हैं, वो इफ द जात डिटरमाइंड एज अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी सवार इंडिकेटेड हिज डैश। यस अनुराग, नाउ यू टेल। अभिषेक, नाउ यू टेल बेटा। यस अभिषेक। मैम कैवलरी मैन। कैवलरी मैन। यस तो कैवलरी मैन आएगा इसमें, इस ऑप्शन में। एंड लास्ट देखिए तो अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ डैश सो दैट ही कुड गवर्न अ सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मैनी रीजन कल्चर एंड कास्ट। तो अब यस इस टॉपिक का आंसर कौन बताएगा? यस गौरव। एडमिनिस्ट्रेशन। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। सुलह एक कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो ये हमने पढ़ा था उस टॉपिक में कि जो अबुल फजल थे वो अकबर को हमेशा से सपोर्ट करते रहे थे सुलह एक कुल के आइडिया में, जिसमें सभी धर्मों को इक्वली मान करके चलना था। चलिए तो अब हम आते हैं, अभी हम ये हमसे लेट्स रिकॉल ही पूछा है तो अभी याद ही करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे, हमसे क्या पूछा है, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। तो कौन कौन से प्रांत थे जो मुगलों के अंडर थे, सेंट्रल प्रोविंसेस। यू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शो मी योर हैंड। सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर दिल्ली, काबुल, मेवाड़, सिंध, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, ओडिशा, चित्तौर एंड दक्कन। ओके गौरव, नाउ यू टेल। यस मैम, द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वर पानीपत, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, अम्बेर, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, चित्तौर एंड इलाहाबाद। यस रितेश, नाउ यू टेल। मैम द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वर मैम लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अजमेर, मारवाड़ एंड चित्तौर। ओके वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हमें एक मैप दिया था इसी से रिलेटेड, और हम वहां पर हमें यही बताया था कि कौन कौन से प्रांत हैं जो इनके अंडर थे। फिलहाल ये हमें अकबर और औरंगजेब के अंडर दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एम्पायर फैला था वो इन दोनों के ही रीजन में फैला था। तो ये यहाँ पर हमें इन एरियाज के नाम ये जो दिए हुए हैं जो पिंक कलर में है, तो ये फिलहाल इन सभी के अंडर में थे, और इनमें से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर। तो मनसबदार एंड जागीर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यस मुस्कान, नाउ यू टेल।
मैम द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड जागीर्स वाज दैट मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कार जागीर्स व्हिच वर समवॉट लाइक इक्तास एंड दे ओनली had rights to revenue of their assignments which was collected by them by their servants while the mansabdar themselves served in some other part of the country. Okay, very good. Yes, Gaurav, now you tell. Yes, Anurag, now you tell beta what was the relationship between Mansabdar and Jagir? The relationship between the Mansabdar and Jagir is Mansabdar received salaries as revenue assignments called Jagirs, which were somewhat like Iktas, but unlike Muktid, most Mansabdar did not actually reside in or administrator their Jagirs. Okay. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. The relationship between the Mansabdar and the Jagir, where Mansabdar received their salary at the remaining assignment called Jagirs, and the Mansabdar had right to the revenue of their assignment, which were collected by for them by servant, while Mansabdar themselves served in somewhat other part of the country. यस वेरी गुड. तो देखिए हमें बताया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो मनसबदार क्या करते थे, उनको जो सैलरी है वो रिमेन्यू असाइनमेंट के रूप में, दैट मीन्स कि एक टैक्स कलेक्शन करने वाली प्रणाली के रूप में पहले ही जागीर के रूप में मिल जाता था. और ये पूरा प्रांत जो जागीर होती थी इनसे होने वाला पूरा टैक्स कलेक्शन मनसबदार को ही मिलता था. तो और आगे क्या बताया हमें, they only had right to the revenue of their assignment which was collected for them by their servants while the mansabdar themselves. ye nahi filhal ye nahi batana hai isme diye diya hua hai ki isme kya match hai mukti se aur kya nahi hai. the jagir was carefully assessed so that revenue were roughly equal to the salary of mansabdar. चलिए तो फिलहाल हमें ये जो टॉपिक है मेन, ये हमें यही बताना है इसके बारे में कि क्या इसमें इन दोनों में रिलेशनशिप है. तो इनको जो मेन सैलरी दी जाती थी वो किसके रूप में दी जाती थी, जागीर के रूप में. और ये एक असाइनमेंट होता था, रिवेन्यू असाइनमेंट, जिसके थ्रू ये टैक्स कलेक्ट करते थे और इन्हें सैलरी मिल जाती थी. ओके यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड, क्या समझे आप लोग. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदारों का क्या रोल होता था. यस रत्नेश मैम, द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर, जमींदार वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफटेन्स अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर. मैम they collected tax on the produce of peasantry which was the main source of income available to Mughal rulers. Okay, very good. Yes, Muskan, now you tell beta. Ma'am, the role of the zamindar in Mughal administration was to collect the revenue and taxes from the peasants that were a source of income for the Mughal. They acted as an intermediate between the Mughals and the peasants, and in some of the areas, the zamindars exercised a great deal of power. Okay, very good. चलिए तो अब ये जो next दो question हैं ये बहुत ज़्यादा important हैं. तो देखिए sixth question में हमसे क्या पूछा है, how were the debates with religious scholars. तो जो इबादत खाना में जो ये religious scholars के साथ धार्मिक पंडे पुजारों के साथ जो भी डिस्कशन करते थे इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज ऑन गवर्नेंस. तो ये जो डिबेट थी वो कैसे इन्फ्लुएंस करती थी, हाउ आर द डिबेट विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज ऑन गवर्नेंस. तो ये जो डिबेट हुई थी इसने अकबर के शासन चलाने के मैथड को कैसे तैयार किया और इससे अकबर को शासन चलाने में कैसे हेल्प मिली और क्या हेल्प मिली. यस अभिषेक, नाउ यू टेल. Yes, ma'am. When the debate with religious scholar important in the
formation of Abbas ideas on governance was that discussion on religion with the ulema Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholic and Zoroastrian. The discussion took place in the Fatehpur Sikri in Ibadat Khana. Akbar was interested in religion, religious and social custom of different people. So, thus Akbar came with an idea known as focus on the system of ethics, honesty, justice and peace. Okay, very good. तो ये जो डिबेट हुई थी, देखिए अभी हमने पढ़ा था सुलह एकुल, ये हमें यहीं पर बताया था कि जहां पर बैठ के ये सभी से क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे, यहाँ पर ये डिसीजन लेते थे। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन होता था इबादत खाना में, और इससे क्या हुआ, अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसिस रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। तो इससे क्या हुआ, जो अकबर का इंटरेक्शन था बाकी लोगों के विश्वास में, तो इससे उन्हें बाकी लोग जो है वो भी इम्पोर्टेंस देने लगे। और इसने यहाँ पर एक चीज और किया, किसी भी धर्म की बुराई नहीं की, ना ही किसी भी धर्म के खिलाफ ही खड़े हुए थे। और इनकी जो टीचिंग्स थी, देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन एंड डिश हारमोनी अमॉन्ग्स दिस सब्जेक्ट। तो ये जो पंडे पुजारी थे, इनकी जो टीचिंग्स थी, मैंने आपको बताया था, इनकी जो ये कट्टरपंथी थे कि किसी धर्म को कट्टर तरीके से पालन करते थे, इनकी टीचिंग्स बहुत ही खराब कर रही थी समाज में। तो इससे डिस हारमोनी एंड डिविजन क्रिएट हो जाता था। एंड जब अकबर ने इसे इन सभी से डिस्कस किया, तो इससे क्या हुआ, यूनिवर्सल पीस बनाया जाने की, यूनिवर्सल पीस होना पॉसिबल हो सका। एंड दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन इज रियाम। और इस आइडिया की वजह से इनके अम्पायर में, इनके रिलीजन में ये एक ऐसा आइडिया था जिससे किसी के बीच में भेदभाव नहीं होता। And instead it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace. तो अभी आगे क्या बताया हमें कि ये एक ऐसा आइडिया था जिससे किस पे फोकस किया जा सकता था, इससे ईमानदारी, न्याय, शांति सभी बनाए रखी जा सकती थी। और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी था, इसको सभी जगह अपनाया जा सकता था। ओके yes, और ma'am. इनके ma'am. इसी काम की वजह से इन्हें एक टाइटल मिला था, दीन ए इलाही। तो आप सभी ने सुना होगा, इन्हें अकबर को दीन ए इलाही कह के भी बुलाया जाता है, गरीबों के मसीहा। चलिए, तो इससे क्या हुआ था, जो लोग थे वो इन्हें भगवान मानने लगे थे और सभी धर्मों के लोग इन्हें मानते थे। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसिस देयर तैमुरीड एंड नॉट देयर मुगल डिसेंट। तो ये क्वेश्चन फिलहाल हम इसको स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मुगल्स खुद को मंगोल का वंशज नहीं बताना चाहते थे, तैमूर का वंशज बताते थे। और ऐसा क्यों करते थे वो लोग, ये अपने तैमूरी डिसेंट होने पर ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, ज्यादा जोर डालते थे, और मंगोल के डिसेंट होने पर नहीं, मंगोलों के वंशज होने पर नहीं। ऐसा क्यों करते थे? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। मैम, द मुगल एम्फेसाइज देयर तैमूरिड एंड नॉट देयर मुगल बिकॉज तैमूरिड वाज मेमोरी ऑफ तैमूरिड वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल एंड नो मंगोल वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल एंड तैमूरिड वाज अ ग्रेट एंसेस्टर दैट हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। चलिए, तो आपको आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक, ये हमें करना नहीं है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना, आप सभी का एक टेस्ट लेना है वोकैबुलरी का, तो उस टेस्ट को लेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, यस मैम। चलिए, मैं अभी आपको मैसेज करती हूँ आपको कौन सा टेस्ट देना है। तो फिलहाल जो आपकी ट्यूसडे को जो क्लास होगी, उसमें आपका ये क्वेश्चन
8 to 12 फोर क्वेश्चन डिस्कस करने, सॉरी 5, एंड इसके बाद आप सभी को टेस्ट भी देना है वोकैबुलरी का. Yes, चलिए तो जो आज का होमवर्क है कर लेंगे सभी. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कर लेंगे ना सभी? No, ma'am. Yes, ma'am. एंड इसके अलावा मैंने आपका ये वर्कलोड कम इसलिए किया क्योंकि अभी आपको एक और वर्क देना है. तो आपको अब क्या करना है, एक काम और करना है. फिलहाल कल संडे है तो आपको क्या करना है, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जानते हैं आप सभी? Yes, तो आपको उन 9 रत्नों के नाम लिखने हैं. कौन से वो 9 रत्न थे जिन पे अकबर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और हमेशा कोई भी मीटिंग होती थी तो वो उनको जरूर बिठाते थे साथ में. तो आप सभी को उनके नाम ढूंढ के लिखने हैं और वो नाम लर्न भी होने चाहिए सभी को. ओके यस मैम. चलिए बेटा तो आज के लिए इतना ही. यस बेटा. यस एनी डाउट? नो मैम. ओके तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी को ये क्वेश्चन, अभी ये फिलहाल हमारे क्वेश्चन रह गए हैं और टाइम हो चुका है आज का, ये डिस्कस हो भी नहीं पाएगा. तो अब नेक्स्ट क्लास में हमें ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और टेस्ट होना है वोकैबुलरी का. एंड दूसरा, आप सभी को आज 9 रत्नों के नाम भी लिखने हैं, इतना काम करना है सभी को. यस मैम. तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन. मैम गुड बाय. गुड बाय टू ऑल.